स्वागत है आप सबका लंकन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 4 के अंदर। डबल हेडर का पहला गेम है, मुकाबला है यहाँ पे डंबुला ओरा बनाम जाफना किंग्स के बीच में, जो खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो पे। मैच टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट टेबल का रुख करते हैं। हर एक टीम ने अपने स्टार्टिंग के मैचेस खेल लिए हैं और इस टूर्नामेंट के अंदर अभी तक 3 मैचेस हुए हैं। जाफना किंग्स पॉइंट टेबल के ऊपर पहले स्थान के ऊपर है। पहले ये टीम 3 टाइम चैंपियंस है अभी तक LPL के अंदर। लंकन प्रीमियर लीग में 3 सीजन हुए, 3 बार जाफना किंग्स चैंपियंस बनी है और 4थी बार भी ट्रॉफी उठाने का सपना देख रही है। डंबुलोरा की बात करें, 1 मैच खेल के 1 मैच हारी है। जिनका पिछला मैच था अगेंस्ट गोल्ड टाइटंस, ये टाई हो गया था, फिर सुपर ओवर हुआ था, इस वजह से इनका नेट रन रेट 0 है अभी फिलहाल। तो इनके लिए भी ज़्यादा निराशा की बात नहीं है डंबुलोरा के लिए। उन्होंने तो अच्छा प्रदर्शन दिया था, ऑन द पेपर बस उनको हार मिली थी, वरना बहुत अच्छा खेल दिखाया था उन्होंने। तो अब देखें, इस वीडियो के अंदर आपको टोटल करीबन 84 स्लाइड्स देखने को मिलती है, जो आपको हेल्प करेगी एक फैंटेसी टीम बनाने के अंदर। तो आपको करना क्या है, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। मेरा काम क्या, आपको बेस्ट कंटेंट देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका क्या फायदा है। लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है, 2:30 बजे टॉस है, 3 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। या आधे घंटे के अंदर आपको मैं पिचेस की फोटो ला के दूंगा। पिछले 3 मैचेस एक ही पिच के ऊपर हुए हैं, ये मैच मोस्टली फ्रेश पिच के ऊपर खेला जाना चाहिए। जो न्यूज़ मेरे को मिलेगी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, और जो प्लेइंग 11 होगी विद द बैटिंग ऑर्डर भी आपको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करके दे दूंगा। इस मैच के अंदर कई प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे सिलेक्शन के लिए, उनके बारे में भी आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। वैसे अभी मेरे पास न्यूज़ आ चुकी है, अभी आपको वीडियो के अंदर भी मैं बता दूंगा। अब देखें पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। RPS स्टेडियम मतलब आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के ऊपर मैच है, बड़ा ही खूबसूरत मैदान है। इस वेन्यू के ऊपर कल के दिन 2 मैचेस हुए थे डबल हेडर के। लास्ट गेम था इस वेन्यू के ऊपर बिलव कैंडी वर्सेस कोलंबो स्ट्राइकर्स का, जिसके अंदर बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच बनता है, कोलंबो स्ट्राइकर्स जीत दर्ज करती है। अब देखें 31 जुलाई को मैच हुआ था, अब देखें उस मैच में हुआ क्या। पहले आती है कोलंबो स्ट्राइकर्स, 157 बनाती है 6 विकेट गवा के, बड़ी ट्रिकी पिच थी वो, फिर यहाँ पे बिलव कैंडी चेस करने आई, 130 पे 8 विकेट गवा देती है, टारगेट चेस नहीं कर पाती। फिर उससे पहले यहाँ पे मैच टाई हुआ था, ये मैच था डंबुला ओरा का अगेंस्ट गोल्ड टाइटंस। उसमें देखो क्या हुआ, पहले यहाँ पर जो टीम बैटिंग करी 180 बनाती है 5 विकेट गवा के, जो टीम चेस करने आती है वो भी 180 बना देती है 7 विकेट गवा के। वो डंबुला ओरा टीम थी और सुपर ओवर के अंदर गोल्ड टाइटंस को जीत मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर राजा पक्षा ने पूरा मैच ही फिनिश कर दिया था 2 बॉलों के अंदर छक्का चौका मार के। उससे पहले 173 बना, ये जाफना का मैच अगेंस्ट कोलंबो स्ट्राइकर सीजन ओपनर गेम, जिसके अंदर कोलंबो स्ट्राइकर्स टारगेट को चेस नहीं कर पाती है। तो इस सीजन में LPL 4 के अंदर अभी तक 3 मैचेस हुए हैं, LPL 4 मतलब 4th एडिशन है ये। अब देखें इस वेन्यू के ऊपर अभी तक जो 3 मैचेस हुए उसमें 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए हैं, 1 मैच यहाँ पर चेस करता हुआ जीता गया है। अब देखें इस वेन्यू के ऊपर डंबुला ओरा ने 11 मैचेस खेला है, 6 मैच जीता है, 5 मैच हारा है। जाफना किंग्स का तो रिकॉर्ड ही भाई यहाँ पे गजब है, 13 मैचेस में 11 मैचेस जीता है, बहुत अच्छा विनिंग रेशियो है। अब देखें इस वेन्यू में प्रति ओवर 8 के आसपास रन बनते हैं। जो लास्ट मैच कल खेला गया था रात को बिलव कैंडी वर्सेस कोलंबो स्ट्राइकर्स का, उस गेम में 10 विकेट पेसर का था, 3 विकेट वहां पे स्पिनर्स का था। विकेट कॉलम देखते हैं, इस LPL के जो 3 मैचेस हुए उसमें हुआ क्या, पेसर्स ने 28 विकेट निकाला है, पहली पारी में 11 और दूसरी पारी के अंदर 17। अपन आमतौर पर क्या समझते हैं कि पहली पारी के अंदर जो बॉलर आएगा डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा विकेट निकाल जाएगा, बट यहाँ पर उल्टा हुआ है। पहली पारी में सिर्फ 11 विकेट्स है, दूसरी पारी के अंदर पेसर्स के 17 विकेटें हैं, राइट आर्म पेसर का 21, लेफ्ट आर्म पेसर का 7 विकेट है। स्पिनर्स की बात करें आप देखें 8 विकेट निकाल चुके हैं, मैं साइड होता हूँ, पहली पारी में 2, दूसरी पारी के अंदर 6, सेकंड इनिंग्स के अंदर स्पिनर्स गेम में आता है और ये ऊपर से डे गेम है। कल के दिन भी आप याद करो स्पिनर्स गेम में आए थे, ऑफ स्पिनर का 1 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 4 विकेट है, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 1, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का यहाँ पे 2 विकेट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो कल पिच इस्तेमाल हुई थी वो कैसी दिखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी जानना। तो आप देखें कल के दिन इस पिच का इस्तेमाल किया गया था, या आप देख सकते हो इस तरह से पिच दिख रही थी लास्ट कल के दिन। बढ़िया पिच है, ड्राई आपको देखने को मिलेगी और हार्ड सरफेस है, इस वजह से यहाँ पे रन्स बन जाते हैं। अगर यह सरफेस हार्ड नहीं होता तो आपको सिर्फ स्पिन और स्पिन के सिवा कुछ नहीं देखने को मिलता। या आप देखें डायमेंशन, स्क्वायर बाउंड्री 64-66 है, सामने की बाउंड्री 75 मीटर्स है, और या इतनी सारी पिचेस यहाँ पर है स्टेडियम के अंदर, आप देख सकते हो। लास्ट मैच इस पिच के ऊपर हुआ था और मोस्टली ये गेम इस पिच के ऊपर हो सकता है, ये वाली पिच है ना, टिक मार्क कर दूँ, इस पिच के ऊपर हो सकता है, बट लेट्स सी क्या होता है इस क्लैश के अंदर। ये देखिए आप यहाँ पे
वेरिएबल बाउंस देखने को मिला यहाँ पे, मतलब एक टप्पे पे बॉल गिरती है, सेम बॉल उछाल ले जाती है, सेम बॉल नीचे रहती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखने को मिली थी, कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे इस स्टार्टिंग के गेम्स के अंदर वेरिएबल बाउंस देखने को मिला है, जो पिचेस को नया बनाया गया है। ये नई पिच है, जो सारी पिचेस थी पहले कोलंबो के अंदर उसको निकाल दिया गया मिट्टी को और नई फ्रेश मिट्टी डाल के यहाँ पे एक नई पिच बनाई गई चारों तरफ। इस वजह से आपको थोड़ा सा अनइवन बाउंस देखने को मिल सकता है। ये स्टेडियम का व्यू है, दिन के अंदर ऐसा स्टेडियम दिखता है, रात के अंदर इसका माहौल ऐसा हो जाता है। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ तो भाई साहब यही आ रही है, इस मैच के अंदर डेविड मिलर अवेलेबल रहेंगे सिलेक्शन के लिए, शोएब मलिक ये मैच भी मोस्टली मिस करेंगे। दोनों टीम्स ने आपस में 8 मैच खेला है, जाफना किंग्स 7 जीती है, एक मैच इनका नॉट आउट गया, डंबोला एक भी नहीं जीती है। 11 की बात करें, अवशिका फर्नांडो ओपन करेंगे कुशाल मेंडिस के साथ जो कैप्टन है, धनंजय डिसिल्वा वन डाउन आएंगे, बहुत अच्छा कैप्टनसी ऑप्शन। कुशाल परेरा अच्छे फॉर्म में थे, एलेक्स रोस ने लगभग टीम को मैच जिता के दे दिया था, बट कोई नहीं। सदेरा समरकुरमा, हसन अली, नूर अहमद, बिनोर फ्रेंडो, प्रमोद मधुसूदन, शहनवाज जानी। अब टीम यहाँ पर मैं बताता हूँ क्यों नहीं खिलाती ये 5 बॉलर्स को, फिर इनके पास ऑलराउंडर नहीं रहेगा, सिर्फ प्रॉपर इनके पास 6 बैटर्स और प्रॉपर 5 बॉलर्स हो जाएंगे। टीम आज के टाइम पे ऐसे कॉम्बिनेशन से उतरती ही नहीं है। टीम क्या करती है, 6 बैटर्स खिलाएगी, एक या दो ऑलराउंडर खिलाएगी, 3-4 बॉलर्स खिलाएगी, बस ये रूल होता है आजकल। तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस टीम को जरूरत है एक ऐसे बॉलर की जो विकेट निकाल सके। लास्ट मैच में आपने देखा होगा क्या हुआ था वहाँ पे एडन खैर के साथ, पहले ओवर के अंदर 20 रन दे दिया था। जाफना किंग्स की बात करते हैं, गुरबाज ओपन करेंगे निशान मधुसूदन के साथ, चरित असलंका, टुआ दिरदोए का डेब्यू यादगार रहा, किलर मिलर दिखेंगे आपको, दुनित अलैक, तिसारा फोरेरा, हैडस विलजॉन, विजय कांत, व्यासकांत, दिलशान मधुसूदनका, महेश दीक्षिणा। चलते हैं यहाँ पे प्लेयर के स्टैट्स की तरफ। अवशेगा फर्नांडो अभी तक जितने आईपीएल के मैचेस खेला है सिर्फ और सिर्फ जाफना किंग्स टीम के लिए खेला है, और ये पहली बार अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट खेलने वाला अवशेगा फर्नांडो। वेन्यू के ऊपर 18 मैचेस में 347 रन से 121 का स्ट्राइक रेट, 22 की औसत है। लास्ट मैच में मेरे वाइस कैप्टन थे, कुछ नहीं किया था भाई ने वहाँ पे, वैसे आईपीएल के स्टार्टिंग मैचेस में अपने कुछ किया भी नहीं है जो है, सीरियसली मैं वही कहता हूँ। 12-53-4-18 बैटिंग फर्स्ट, 6 के ऊपर 2-26-11-12-11-1-33-23-22 नाबाद, 7-40 नाबाद 21-50-1, अच्छे फॉर्म में था रिसेंटली ये, जो इमर्जिंग एशिया कप के मैचेस हुए थे। मेंडिस बाबा 8 मैचेस में 35 की औसत है, 280 रन है, 137 का स्ट्राइक रेट है, हेड टू हेड के अंदर अच्छे नंबर्स है। बैटिंग फर्स्ट 16-9-85, चेस के ऊपर हेड टू हेड के अंदर अगेंस्ट जाफना 20-2-39-51-58। वेन्यू के ऊपर 33 मैचेस में 750 रन से 124 का स्ट्राइक रेट है, 650 है यहाँ पर, और 6 बार 30-50 के बीच में स्कोर किया है। 30 का मतलब आप समझते हो, 630 का मतलब होता है 30-50 के बीच में कितना स्कोर किया है। फिर आएंगे डीडी सिल्वा, अलग ही फॉर्म में बंदा, करीबन क्वालीफायर से जो जिम्बाब्वे के अंदर क्वालीफायर्स हुए थे वहाँ पे रन्स करा, टेस्ट मैचेस के अंदर रन्स किया, पहले मैच में आके 43 रन प्लस एक विकेट निकाला, ये बंदा अलग ही फॉर्म में भाई। 2 मैचेस में 12 रन है एटवर्ड के अंदर, 1-11 चेस के ऊपर है। वैनी के ऊपर 36 मैचेस में 750 रन है, 350 6-30-250 के बीच में स्कोर से 34 रन में 11 विकेट हैं इस वैनी पे। कुशाल परेरा, जनित परेरा जी 4 मैचेस के अंदर 48 रन है, 2-0-42-4 इस तरह से इसने रिसेंटली स्कोर्स किए हैं एटवर्ड के अंदर। वेन्यू के ऊपर 27 मैचेस में 600 रन है, 133 का स्ट्राइक रेट, रिसेंट फॉर्म भाई का बहुत अच्छा रहा है, 40-33-35-53-9-6-17-29 हर मैच में इसको स्टार्ट मिला है। लास्ट गेम में भी भाई ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी वहाँ पे, लेट्स सी इस मैच में इनका क्या योगदान होता है। सदिरा समर विक्रमा, अगर आपने लास्ट ईयर LPL देखा होगा, लास्ट ईयर उनका LPL का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ 280 रन करे थे 7-8 मैचों के अंदर, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी वहाँ पे। 7 रन है हेड टू हेड के अंदर बैटिंग फर्स्ट करते हुए। वेन्यू के ऊपर 20 मैचेस में 315 रन से 17 की औसत, 107 का स्ट्राइक रेट है, 430 है यहाँ पे 20 इनिंग्स के अंदर। लेट्स सी कैसा खेलता बंदा, टॉप ऑर्डर में विकेट गिरेगा तो सदिरा का बहुत बड़ा रोल होगा। एलेक्स रोस लास्ट मैच में 39 करते हैं, मैच विनिंग नॉक खेल रहे थे लगभग, बट कंप्लीट नहीं कर पाए नॉक वहाँ पे, लास्ट बॉल पे अगर बैट भी लग जाता, एक दो रन मिल जाते इनको, मैच जीत जाते थे वहाँ पे। हसन अली हेड टू हेड नहीं खेला, रिसेंट फॉर्म भाई का बहुत अच्छा है। नूर अहमद 3 मैचेस में 4 विकेट हेड टू हेड के अंदर बॉल सेकंड करते हुए, 5.5 की इकोनॉमी है, मस्ट भी गोगा खेलता है, तो वेन्यू के ऊपर 11 मैचेस में 10 विकेट है, ऊपर से डे गेम और है ये। प्रमोद मधुसूदन 2 मैच में 1 विकेट है, टूट के अंदर बॉलिंग फर्स्ट 1 मैच में 1 विकेट है, 2 मैचेस तो खेला, बॉलिंग एक ही बार करी है। वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 4 विकेट, बॉल फर्स्ट 3 मैच में 1, बॉल सेकंड 3 मैच में 3 विकेट, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 2-2-3-1-0-1-0-2-2। बिनोरो फर्नांडो
एक मैच में 1 विकेट है, एटवुड के अंदर बॉल सेकंड करते हुए, वेन्यू के ऊपर 17 मैचेस में 22 विकेट हैं, ये एक एक विकेट निकालने वाला कैंडिडेट है, इसका दिन रात तो 2 विकेट भी निकाल सकता है, मोस्टली एक एक विकेट निकालता है हर T20 गेम्स के अंदर। शहनवाज धानी का 2 विकेट था, लास्ट गेम में दोनों विकेट्स बोल्ड करके निकाले थे, अच्छा स्पेल रहा था, बस लास्ट मैच के दर्शन सनाका ने धुलाई कर दी थी इसकी। प्रवीण जयविक्रमा एक्सप्लेनर जाफना किंग्स का, और वेन्यू के ऊपर 8 मैचेस में 10 विकेट है, लास्ट गेम में अच्छा स्पेल था, अनलकी रहा था, वहाँ पे कैच ड्रॉप हो गया था, राजापक्षा जब बैटिंग कर रहे थे रविंद्र फर्नांडो को भी खिलाया गया था, हेडन खैर ने 20 रन किए थे, विकेटलेस गया था, और भी बहुत सारे प्लेयर्स जो खेल सकते हैं। दूषण हेमंत एक बहुत अच्छा लेग स्पिनर है, इसने हेड टू हेड के अंदर 1 विकेट निकाला है, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब चलते हैं स्टार्टिंग और ब्रुनो फर्नांडो, हसन अली खेलते हैं तो प्रमोद बुधूषण, डेथ रो के अंदर हसन अली, प्रमोद बुधूषण, ब्रुनो फर्नांडो। लास्ट गेम में क्या हुआ था, ब्रुनो फर्नांडो का पहला 3rd, 9th, 19th था, धानी का 2rd, 4th, 18th, 20th, डीडी सिल्वा 5th, 7th, 13th, 15th, हेडन कैर का 6th, 11th, 17th था, और रविंद्र फर्नांडो का 8th, प्रवीण जयविक्रमा का 10th, 12th, 14th, 16th, मतलब 10th ओवर में डालने को चालू करता है और 16 ओवर तक डालता रहता है, दिन रात तो विकेट्स निकाल सकता है सेकंड इनिंग्स में, स्पेशली जब टीम अंडर प्रेशर होती है चेस करते हुए, तो ये बॉलिंग करने आएगा और विकेट निकाल सकता है जयविक्रमा, बॉल सेकंड में खेलता है तो, या कोई भी स्पिनर्स हो। गुरबाज 5 मैचेस के अंदर 191 रन है, 38 की औसत है, यहाँ पे 172 का स्ट्राइक रेट है, बैटिंग फर्स्ट 15, 70, 73, चेस के ऊपर 30 और 3 है, बहुत अच्छे नंबर से 2 बार 70+ स्कोर किया है इसने 5 हेड-टू-हेड गेम्स के अंदर। वेन्यू के ऊपर 10 मैच में 202 रन है, रिसेंट फॉर्म भाई का बहुत अच्छा है, जिम एफ्रो T10 लीग के अंदर भी मैं और मेरे पापा बैठ के मैच देख रहे थे, कह रहे थे क्या प्लेयर है गुरबाज, ऐसा खेलता है कि तगड़ा क्रिकेटर अफगानिस्तान का, मतलब उन्होंने पहली बार देखा था उनको खेलते हुए और फैन हो गए भाई सब गुरबाज के। निशान मधुशका हेड टू हेड नहीं खेला, बट वही बात है, बैटिंग फर्स्ट 18, चेस के ऊपर 34 की औसत है पूरे T20 करियर के अंदर। वेन्यू के ऊपर 5 मैच में 82 रन, 73 का स्ट्राइक रेट है, लेट्स सी। चरित आसालंका लास्ट मैच में निराश किया भाई ने, 6 मैच के अंदर 83 रन है, 148 का स्ट्राइक रेट, 21 की औसत है, बैटिंग फर्स्ट 10-6, चेस के ऊपर 5-4-58 नाबाद है, वेन्यू के ऊपर 23 मैचेस में 550 रन, 130 का स्ट्राइक रेट है, 156-30 की है 23 इनिंग्स के अंदर, फॉर्म 12 रन, 36 रन, 2/63, 38 इस तरह से फॉर्म रहा है। त्वेद हृदय 54 रन है एडवर्ड वेन्यू के ऊपर, बैटिंग फर्स्ट कर दो, रिसेंट फॉर्म इस बंदे का ना पूछो मत यार कैसा है, 54-19-47 नाबाद, 22 नाबाद, 16-51-13-68-27 एक नाबाद, रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है। डेविड मिलर का 3 मैच में 65 रन है, इस वेन्यू के ऊपर साउथ अफ्रीका के लिए खेला था, 24-14-26 बनाए थे, रिसेंट फॉर्म इनका 10-8-17-14-61 ये बनाए थे उन्होंने टेक्सास सुपर किंग्स के लिए MLC के अंदर। दुनित वेलालेग 2 मैचेस में कोई योगदान नहीं है एटवुड के अंदर, वेन्यू के ऊपर 8 मैच में 3 विकेट 51 रन है। तिसारा फरेरा 8 मैच में 4 विकेट 127 रन है, वेन्यू के ऊपर 45 मैच के अंदर 725 रन है। लास्ट गेम में भाई ने 3 ओवर डाले थे नई गेंद से, मैं सही में देख के शौक था, डालते हैं मैंने देखा भी है लास्ट ईयर LPL के अंदर, 1 ओवर या 2 ओवर डाल के निकल लेते हैं, और लास्ट गेम में बैक टू बैक 3 ओवर डाल दिए भाई ने, तो ऐसा फिर से आपको करता हुआ दिख सकता है। बैटिंग बहुत नीचे करने आएगा और उसका दिन हुआ तो पॉइंट देगा, वरना मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हार्डस विल्जॉन 3 विकेट निकाला लास्ट गेम में, ठीक ठाक स्पेल था, ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, मैं सही कहूँ तो सामने वाली टीम थी कोलंबो स्ट्राइकर्स, उस दिन रश कर रही थी, विकेट दे रही थी इनको दान के अंदर, इसने विकेट्स निकाले थे। विजयकांत ने लास्ट टाइम जब यहाँ पे खेला था वेन्यू के ऊपर पहला ही मैच, 6 मैचेस में 12 विकेट वेन्यू के ऊपर है, हेड टू हेड के अंदर 3 में 3 विकेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट लेग स्पिनर इस टीम के लिए। दिलशान मधुशना का बहुत अच्छे फॉर्म में, लास्ट गेम में भी 2 विकेट निकाला, वेन्यू के ऊपर 5 में 5 बॉल, सेकंड हेड टू हेड में 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 2-3-1-3 अच्छे फॉर्म में। तिक्षिणा 5 मैचेस में 11 विकेट हैं, एक टॉप कैप्टनसी भी इस गेम के अंदर, लास्ट मैच में विकेटलेस होकर आ रही है, 5 मैच में 11 विकेट हेड टू हेड के अंदर, बॉल फर्स्ट 3 मैच में 9, बॉल सेकंड 2 मैच में 2 विकेट हैं, वेन्यू के ऊपर 20 मैच में 23 विकेट हैं, तो बॉल फर्स्ट के अंदर इस गेम के अंदर मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तिक्षिणा। मलिक साहब 8 मैच में 88 रन है एट टूड के अंदर, वेन्यू के ऊपर 19 मैच में 300 रन है। नुआन तुषारा 4 मैचेस में 5 विकेट है एट टूड के अंदर, वेन्यू के ऊपर 15 मैच में 14 विकेट हैं। क्रिस लेनी देखते हैं अवेलेबल हो पाते हैं नहीं, अर्चिता फर्नांडो, एस्ली गणरत्न मुंबई इंडियंस का पार्ट रह चुका है, ऐशान रंदिगा, नंद्रिभग सबके सैड्स हैं वैसे, मैंने लास्ट मैच में प्रियमल परेरा खेला था और 22 रन किया था इसने, वैसे हेड टू हेड के अंदर नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 6 मैच में 92 रन है। स्टार्टिंग ओवर की बात करते हैं यहाँ पर, पिछले गेम में तीसरा परेरा का 2rd, 4th, 6th था, मधुशनका का 1st, 11th, 20th, और इसको 11th और 20th ओवर के अंदर 1-1 विकेट मिला था, कुल मिला के 2 विकेट लास्ट गेम में निकाले।
तिशिना, तीसरा आठवां सोलवा अठारवा, हाड़ा सुलजौन, पांचवा सातवा बारहवा उन्नीसवा, व्यासकांत का देखिए आप नौवा तेरहवा पंद्रहवा सत्रहवा था, असलग्गा का दसवा, वेला लेक का चौदह ओवर था लास्ट गेम के अंदर। मैचअप्स देखते हैं, अवश्य का फर्नांडो वर्सेस नुवान तुषारा, तीन इनिंग्स में एक बार आउट किया, पंद्रह बॉल में ग्यारह रन देके। कुशाल मेंडिस वर्सेस तिक्षिणा, पांच इनिंग्स में एक बार आउट किया है, 42 बॉल में 47 रन देके। कुशाल फरेरा वर्सेस नुवान तुषारा, दो इनिंग्स में दो बार आउट किया है, छह बॉल में छह रन देके। शोएब मलिक ने एक बार, तिक्षिणा ने चार बॉल में एक रन देके, दो इनिंग्स में एक बार आउट किया है। डेडी सिल्वा वर्सेस मलिक, दो बॉल दो रन एक इनिंग्स में एक बार आउट किया है। सदीरा का मैचअप नहीं है, एलेक्स फ्रूस का मैचअप नहीं है। वैसे जो सदीरा अपने भैया हैं, ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने फर्स्ट है, और लेग स्पिन के सामने सामने वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर है व्यासकांत। हेडन खैर देख लें आप, डैन मैकडरमॉट वर्सेस नुवान तुषारा, तिक्षिणा ने पांच इनिंग्स में दोबारा आउट किया, 22 बॉल में 77 रन देके। चलते हैं रहमुल्ला गुरबाज की तरफ, जाफना के बैटर है, इनका मैचअप डीडी सिल्वा के सामने, 19 बॉल 12 रन एक इनिंग्स में एक बार आउट किया। नूर अहमद ने 5 बॉल 9 रन एक इनिंग्स में एक बार आउट किया। हसन अली ने एक इनिंग्स में एक बार आउट किया, 0 रन देके एक बॉल के अंदर। निशान मधुसूदन का कोई खास मैचअप नहीं है, फेस ही बहुत कम करा इसने। तुयाद हृदय वर्सेज लेग स्पिन दिक्कतें होती हैं, असलंका वर्सेज लेग स्पिन दिक्कतें होती हैं। किलर मिल्लर वर्सेज डीडी सिल्वा, 7 इनिंग्स में दो बार आउट किया हुआ है, 68 बॉल के अंदर 70 रन देके। और तीसरा परेरा वर्सेज हसन अली, 11 इनिंग्स में तीन बार आउट किया है। नूर अहमद ने एक बार आउट किया है, 7 बॉल में 6 रन देके दो इनिंग्स में। मलिक साहब वर्सेज हसन अली, 12 इनिंग्स तीन बार आउट किया, 54 बॉल में 85 रन देके। लेनी वर्सेज हेडन खैर, 5 इनिंग्स में दो बार आउट कर रखा है। साइन अप कर सकते हो विजन इलेवन के ऊपर, क्या फ़ायदा है, इस गेम में भी आपको 50,000 रुपये का गिव अवे देखने को मिलेगा फ्री के अंदर, सिर्फ और सिर्फ विजन इलेवन के ऊपर। तो साइन अप कर ले, रेफर कोड स्टैट्स गुरुजी, मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, क्या फ़ायदा है, एंट्री फीस यहाँ पर बस्ती, आप कंपेयर करके यहाँ पे देख सकते हो। तो ट्राई करके देखना, मैं यही नहीं कहूँगा आप हमेशा यहीं पे खेलो। कॉमन कैप्टन डीडी सिल्वा, रहमुल्ला गुरबाज अलग जाना है, तो अविशिका फर्नांडो एक ऑप्शन है, कुशाल मेंडिस अच्छा ऑप्शन है, दोनों ओपनर्स हैं डम्बुला के। तिक्षिणा, ये मेरे को स्पेशल क्रिकेटर लग रहा है इस गेम में, धानी बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो, डम्बुला पहले गेंदबाजी करती है। तो 1 मिलियन का मिशन देखते हैं कब तक पूरा होता है। मोबाइल ऐप है स्टैट्स गुरुजी नाम से, प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना कमेंट करके। इस वीडियो के अंदर आपको टोटल करीबन 84 स्लाइड्स देखने को मिलती है, तो भाई बता देना मेरे को कैसी आपको वीडियो लगी है करके। और टीम्स की बात करते हैं फटाफट। अब इस मैच में जो 90% मेरा रहेगा वाइस कैप्टन तिक्षिणा ही रहेगा, या फिर कैप्टन भी कर सकता हूं मैं तिक्षिणा को, मूड हुआ तो पूरा ही। मेंडिस यहां पे, गुरबाज है यहां पे, अभिषेक फर्नांडो, कुशाल परेरा। कुशाल परेरा सीरियसली कहूँ तो एक रिस्की कैंडिडेट के अंदर आता है, स्पेशलिस्ट टीम के अगेंस्ट, जहाँ पे तिक्षिणा सामने बॉलिंग करेंगे, व्यासकांत जो लेग स्पिनर बॉलिंग करेगा, तो देखते हैं कैसा प्रदर्शन देता है। तो है धीरे दो है डीडी सिल्वा, वेला लेग यहाँ पर टीम में लिया है, मेरे 11th प्लेयर है वेला लेग, और 10वें प्लेयर मेरे कुशाल परेरा है। दोनों को आप निकाल सकते हो, किसी और प्लेयर को इंसर्ट कर सकते हो, सीधी बात है। और धानी टीम में लिया है, मधुसूदन का तो फिर खैर टीम में रहेंगे। अब कुछ चेंजेस क्या कर सकता है, मेंडिस और गुरबाज इंपॉर्टेंट है, सदीरा को ग्रैंड लीग्स के अंदर ट्राई कर लेना, अच्छा क्रिकेटर है। निशान मधुसूदन का लास्ट गेम अच्छे पॉइंट्स दे गया था बिकॉज ऑफ हिज कीपिंग, रन तो भाई ने सिर्फ 12 ही किए थे, पर कीपिंग से देखो 2 कैच पकड़े 2 रन आउट करे, 16 और 18 पॉइंट तो उसने ऐसे ही दिए, 16 18 होता है, 34 पॉइंट तो उसने बिना बैट को हाथ लगाई दिए थे लास्ट गेम के अंदर, ऐसा आप दोबारा एक्सपेक्ट मत करना। बैटर सेक्शन में चलें, अभिषेक का फर्नांडो बहुत इंपॉर्टेंट है, किलर मिलर का बैटिंग ऑर्डर देखने लायक रहेगा, 2 डाउन खेलते हैं तो टीम में रख लूंगा मैं। फिर यहाँ पे कुशाल परेरा है, एलेक्स फ्रूस आपका कॉल है, असलंका को ट्राई कर सकते हो, तुयाद हृदय ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मेरे को। ऑलराउंडर के अंदर डीडी सिल्वा, तीसरा परेरा आप लेके जा सकते हो, लास्ट गेम में 3 ओवर का स्पेल डाल दिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तीसरा परेरा 3 ओवर का स्पेल डालेगा, ऊपर से डे गेम है तो आप एक्सपेक्ट करिए। वेला लेक के 2-3 ओवर होने चाहिए इस गेम के अंदर, लास्ट गेम में सिर्फ 1 ओवर था, इस वजह से मैंने वेला लेक को लिया हुआ है, दैट्स माय कॉल, बट लेट्स सी। वही बात है, आप सिलेक्शन परसेंटेज वाले प्लेयर्स लेके, और जिन प्लेयर्स को आपने पहले मैच में बैक किया हो, फिर आप वो प्लेयर के साथ अनजस्टिड कर रहे हो, मतलब जस्टिफाई नहीं करोगे आप। यहाँ पे विलजॉन आप ट्राई कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट में, धानी इंपॉर्टेंट, मधुसूदन का दोनों इनिंग्स में, तिक्षिणा दोनों इनिंग्स में, व्यासकांत दोनों इनिंग्स के अंदर, बिनरो फर्नांडो और जेव किरमा 2 ग्रैंडली पिक्स हैं, बिनरो फर्नांडो को बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करना, जेव किरमा बोथ इनिंग्स के अंदर अच्छा काम करके जा सकता है, स्पेशली सेकंड इनिंग्स के अंदर। तो देखते रहिए स्टैट्स, मुझे मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, सी सून, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, बेस्ट इज येट टू कम, सी सून, जय हिंद।